सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। सो आज जैसे कि जिस जिम में मैं जाता था उस जिम में आज बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन मतलब बाकी थोड़ा आतिश बताइए क्या है। आतिश बोलो जिम में आज क्या है। सर देखो, हमारे जिम का एक साल कम्प्लीट हो गया है। जिम का नाम है टीम सुपरमैन फिटनेस अरीना। और वही इसी अच्छे दिन पे गाँव ने फिर रखा है और हमारे सर आए जज जो है यहाँ पे। सो गाइस, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जिम को पूरा 1 ईयर कंप्लीट होने आ गया और आज फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो आज वर्कआउट छोड़ देंगे, आज बस फोकस करेंगे, एंजॉय करेंगे क्योंकि मेंबर हम भी हैं। चलो जस्ट तो साइड में, मैं ज़्यादा मेंबर मानता हूँ इसका क्योंकि मैं स्टार्टिंग से यहाँ हूँ, स्टार्टिंग से, और सबने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया हुआ है हर चीज़ों को लेकर। क्योंकि अगर आप जहाँ जा रहे हो वो चीज़ और वो जगह बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जहाँ मैं वर्कआउट करता हूँ, आपको पता है जिसको मैं लेके आता, राहुल भी यहीं वर्कआउट करता है, तो हम दोनों यहीं। आज वर्कआउट तो नहीं, आज भी नहीं है और कल भी, देखो क्या होता है। बाकी आज दिन भर में बहुत अच्छा ब्लॉग शूट होने वाला है और आप देखते रहो, लास्ट तक बने रहो। मिलते हैं आगे। सो गाइस, जैसे आपको पता है मॉर्निंग में मैं कहाँ था, वापस मैं रिटर्न फिर से आ गया कि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था, बट फिर से मुझे उस फंक्शन को अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं आपके फंक्शन में रहूंगा, एंड तक रहूंगा, बट अर्जेंट में कुछ काम पड़ गया तो लास्ट में तो जाना पड़ेगा। तो वापस मैं जाने वाला हूँ और एंड में क्या होने वाला वो चीजें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और गाइस, मैं कुछ चीजें और बोलना चाहूंगा एज अ टीचर। जैसे ब्लॉगर तो मैं अभी बना, पर एज अ टीचर एक क्लासेस से लेके फिर इसके बाद अपना अपने फिटनेस को मेंटेन रखना, मतलब थोड़ा ज़्यादा आप समझ सकते हो कि टाइम बहुत कम मिलता है और उसके साथ ही आप ब्लॉग को संभालना, मतलब थोड़ा टेंशन है। बट अगर आप सपोर्ट करोगे कि जनरली हमें टाइम नहीं मिल पाता, हमें टाइम बहुत कम मिलता है, उसी टाइम हमें सब कुछ करना रहता है। तो हम चाहते हैं कि अगर आप सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, एंड अगर पसंद आ रहा हो आपको तो लाइक करो। ओके, सो भाई जैसा आपको लग रहा हो आप सपोर्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं आप, क्योंकि आज तो वर्कआउट नहीं हुआ, कल तो संडे, कल भी नहीं। वहां राहुल को भी 2 दिन का रेस्ट मिल गया है कि अच्छा है, थोड़ा 2 दिन का रेस्ट मिल गया क्योंकि लेग का वर्कआउट है, राहुल उससे बच गया। सो चलो गाइस, मिलते हैं आप। मुझे पता है एक दो लोग बोल रहे हैं बोरिंग ब्लॉग है, एक टीचर की लाइफ ही ना देखा जाए तो भाई बुरी तरह से बोरिंग ही होता है, क्या बता सके। टीचर और बाद में अपने फिटनेस को संभालना, मतलब जब आप जाओगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हो, अब धीरे धीरे लाइफ को अगर समझोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कितना ज्यादा प्रेशर रहता है हर चीजों को मेंटेन रखना करना। ओके, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि
यहाँ खत्म हुआ हमारा इवेंट और इवेंट बहुत मजेदार था। थोड़ा बहुत झलक आपने देख ही लिया। अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, थोड़ा थक चुके हैं। अब घर पे जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। कल संडे है और संडे के दिन देखते हैं हमारे पास कोई स्टोरी होगा तो उस पे हम उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि संडे के दिन तो जिम हमारा बंद होता है, हम रेस्ट रखते हैं और राहुल भी रेस्ट कर रहा है, तो कल कुछ है नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा है कि कोई स्टोरी आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि टीचर के पास ब्लॉग से रिलेटेड स्टोरी बहुत कम रहता है, तो आप अगर मुझे एक सजेस्ट कर सको वो स्टोरी तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगा। सो गाइस, यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ थैंक्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।